हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंटरनेशनल अफेयर्स इन हिंदी पर। और आज हम बात करेंगे व्लादिमीर पुतिन के एक स्टेटमेंट के बारे में। रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने एक सरप्राइजिंग स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाता है तो इसमें कोई विनर नहीं होगा और इसीलिए ये वॉर कभी शुरू नहीं होना चाहिए। अगर हम आज देखें तो यूक्रेन वॉर को 5 महीने से भी ज्यादा हो गए है, और हाल ही में हुए न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के कॉन्फ्रेंस के दौरान पुतिन ने एक लेटर में ये कमेंट किया है, जब से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है तभी से न्यूक्लियर वॉर का डर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और अगर हम ध्यान दें तो पुतिन ने इस वॉर के समय अपनी न्यूक्लियर अर्सेनल को और ज्यादा बढ़ाया है। इसी के साथ उन्होंने बाकी सभी देशों को भी ये धमकी दी है कि कोई भी देश इस वॉर में इंटरफेयर ना करे। उन्होंने सीधे तौर पर ये धमकी दी थी कि जो भी रशिया के बीच में आएगा उसके अगेंस्ट रशिया का रिस्पांस इमीडिएट होगा और इसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने खतरनाक होंगे जिसे किसी ने भी अपनी हिस्ट्री में एनकाउंटर नहीं किया होगा। इसी के कुछ दिनों बाद ही पुतिन ने अपने देश की न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रख दिया था। आज की जियोपॉलिटिकल टेंशंस इतनी ज्यादा हाई लेवल के हैं कि अगर कुछ सेवर हो जाता है तो पूरी दुनिया को इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे। इसी वॉर को लेकर रशिया और यूएस पॉलिटिशियन ने पब्लिकली वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में कहा था। और यहाँ इससे भी ज्यादा टेंशन क्रिएट करने वाली बात ये है कि रशिया की मिलिट्री डॉक्ट्रिन न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने के लिए अलाउ करती है, और जिस तरह के लीडर पुतिन है उससे तो ये साफ जाहिर होता है कि अगर उन्हें रशिया पर किसी भी तरह का खतरा दिखाई दिया तो वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने के लिए जरा भी नहीं सोचेंगे। इसी के साथ अगर हम देखें तो आज रशिया मिसाइल टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड लीडर, जो किसी भी देश की डिफेंस सिस्टम को खत्म कर सकता है। रशिया ऐसा देश है जिसके पास 600 नेवल वेसल्स और 70 सबमरीन्स है। वहीं रशिया ऐसा भी देश है जिसने सक्सेसफुली हाइपरसोनिक मिसाइल्स के टेस्ट किए हैं। वहीं रशिया ने कुछ महीनों पहले सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का फर्स्ट टेस्ट लॉन्च किया था, जो न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता था, जिसे रशिया ने केवल अमेरिका पर हमला करने के लिए बनाया है। और इसी बीच अमेरिका ने रशिया के साथ न्यू न्यूक्लियर आर्म डील करने का फैसला किया है, जो इन दोनों देशों के बीच की न्यू स्टार्ट डील को रिप्लेस करेगी। हालांकि रशिया को अमेरिका पर भरोसा नहीं है और वो अमेरिका से अपनी स्टेटमेंट की सीरियसनेस के बारे में जानना चाहता है। दोस्तों, इसके बारे में आपके विचार हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।